तो हेलो गाइस, तो बड़ी मुश्किल से पता नहीं दी को कैसे याद आ गया कि हमें कहीं घुमाना भी चाहिए, तो दी हमें लेकर जा रही है सिरसा। तो आज मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूँ, बालों का, चेहरे का भी। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो, मेरे बाल काले हैं और मैं इन काले बालों से बोर हो चुका हूँ, तो अब कुछ नया हर बार की तरह। तो आज मैं कॉफी और लाइट ब्राउन कलर मिक्स करवा रहा हूँ बाल में, देखते हैं कितना आता है। तो अब भर के मेरे सिर पे कलर लगा दिया है। किसने लगा कि मेरा कलर लग चुका है और मैंने फॉइल पेपर ढक लिया है। अब हम 40 मिनट का वेट करेंगे और मैं ब्लीच लगवा रहा हूँ फेस पे और क्लीन अप कराऊंगा। मेरे लिए ब्लीच खुल रही है, फटाफट दिखा दूंगा ना। मेरे थोबड़े में ब्लीच लग गई है, पानी से सिर धुल रहा है। देखते हैं मेरा क्या कलर आया है। अभी तो काले ही लग रहे हैं मुझे बाल, नहीं बिल्कुल काले लग रहे हैं तो वीडियो में। इधर से देखो, अभी तो बालों में ऐसा कलर लग रहा है जैसे जड़ों में आ गया और ऊपर बालों में आया नहीं, में ही आया है। अभी देखते हैं क्या सीन है। ये देखिए, ये हाइड्रा मशीन। आज तो आज मेरा फेशियल हो रहा है कोरियन हाइड्रा फेशियल, देखते हैं मेरे मुंह पर क्या ग्लो आता है। मेरा बिफोर ये है और आफ्टर थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। तो मेरे मुंह पे इतनी देर से फेशियल चल रहा है, देखते हैं क्या ग्लो आएगा। तो अब मेरा मास्क खुल रहा है और ये सब कहते हैं कि सबसे बेस्ट मास्क है। ये मास्क है कैनपैकी का मास्क। कैनपैकी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। ज्यादा अच्छे से बन गई थी। चल साइड से बना दो, फिर दोनों साइड से बना दो, इनको जो सही लगेगा वो लग। हेलो गाइस, तो अब हम जा रहे हैं सिरसा। हम भी जा रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं बता? ये भैया भी जा रहे हैं, दी भी जा रही है और जस्सू भी जा रही है। जा रही है ना? तो जैसा कि आप सब देख रहे हो, इतनी धुंध है, हम धुंध में जा रहे हैं। दी हमें लेकर जा रही है पंजवाना मीनू दीदी के पास। तो आगे पीछे अच्छे खासे मौसम में दी लेकर जाती नहीं, अब दी ये देखो धुंध में लेकर जा रही है। और इस वक्त टाइम हुआ है, मैं बताता हूँ, टाइम हुआ है 2:15 हुआ है और धूप का नामो निशान नहीं है, धुंध ही धुंध है रास्ते में। दूर दूर तक बंदा भी नहीं दिख रहा। ये देखो दी हमें ठंड में लेकर आई है। तो आखिरकार हम सिरसा पहुंच ही गए हैं। बताइए आपकी कैसी फीलिंग है? पूरे रास्ते धूप थी, सिरसा आके इतनी ज्यादा तेज धूप है और हम पहुंचेंगे भी तो धुंध में ही, क्योंकि धूप तो इसी बस के सफर में ही निकल जाएगी। जगह देखो कौन सी दिखा रही है, जो अच्छी जगह थी वो दिखाई नहीं, जगह यहाँ पर दिखा रही है। आप निकल कर रहे हो आप।
भैया कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छी। अभी मीनू जी तो आ जाए। दी कैसी फीलिंग आ रही है? गांव है, बहुत अच्छी। यहाँ कुछ घूम तो सकते नहीं है, तो गांव है, घूमेंगे। अब हम गाइस आपको मिलवाते हैं मीनू दीदी से। वो देखो सामने कौन आ रही है? नीना दीदी की नजर। नीना दीदी सबु हेलो करते हैं। ये सबु सबु भाग गया, भाग गया, इसको पकड़ेगा। दिया दिया आज की ट्यूशन की छुट्टी मार तो दी आते ही अपने रसोई में अपने अधिकार में पड़ चुकी है। ये देखो मीनू दीदी रोटियां बना रही है गोल गोल। परांठे मस्त मस्त। किसके लिए बना रहे हो मीनू दीदी? तेरे लिए, अंकुर के लिए, नन्हे के लिए, मेरे लिए। कितना प्यार है देखो। इनके लिए हम कलर भी लाए हैं। मेरी तो सब्जी के परांठे ना, गोल्डन कलर। तू कोई और दे ले अंदर सब्जी। हां बाल बढ़ गए, गोल्डन लाए हैं हम। तो मीनू दीदी ने मेरी फेवरेट सब्जी बनाई है और वो भी फिक्की। मीनू दीदी को पता है कि नन्ना मिर्चे बिल्कुल नहीं खाता। तो दिया हमारी सेवा में लगी हुई है, ये अचार ला रही है। कितनी प्यारी है दिया। तो हम चढ़ चुके हैं सीढ़ियां। ये देखो गांव की ताजी ताजी हवा, सूरज ढलता हुआ। मैं पहली बार किसी गांव में आया हूँ। वो देखो ढलता हुआ सूरज, इतना सुकून मिल रहा है। मेरे को कच्चे कच्चे घर बहुत अच्छे लगते हैं। देखो जैसे ये है, ये देखो ये है पावनी। हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, हेलो बोल दे। क्या खा रही है? चिप। ये देखो मेरे को ऐसी डिजाइनिंग बहुत ही पसंद है। आपको वो दूर से दिख रहा है कितना अच्छा नजारा है ना? मेरे को सच में। और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को गांव में आके, क्योंकि पहली बार किसी गांव में आए हैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। और हमने दो दिन में चले भी जाना है। इस चीज़ से दुखी भी हूँ क्योंकि आपको पता है फिर ब्राइडल्स का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, फिर और जनवरी में बहुत शादियाँ होती हैं। और मेरे को ये है भाई, पहली बार मैं गांव में आया हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और हम बस से आए हैं क्योंकि गाड़ी वाड़ी नहीं है हमारे पास। आ गया, ये क्या लेकर आया है? ये कैक्टस होता है, बोलने वाला कैक्टस। मेरा दप्पी आ गया। दप्पो कैसा लग रहा है बुआ के घर आके? दप्पो कैसा लग रहा है बुआ के घर आके? कैसा लग रहा है बुआ के घर आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, और मुझे ये बता कि टीशू कहाँ है? टीशू कहाँ है? दिखा। ओ ये तो मेरी कॉपी कर रहा है कैक्टस। एक मिनट लिसन। जब वॉक करते हैं तब टाइम नहीं देखते, और टाइम देखकर कभी वॉक नहीं करते, क्योंकि अगर कोई देखते हैं तो मेरा फिगर देखते हैं, और मैं अपना फिगर मेंटेन रखते हूँ, इसलिए वॉक करती हूँ। लिसन, जब वॉक करते हैं तब टाइम नहीं देखते, और टाइम देखकर कभी वॉक नहीं करते, क्योंकि अगर कोई देखते हैं तो हमारा ये फिगर देखते हैं, और मैं अपना फिगर मेंटेन रखती हूँ, इसलिए वॉक करती हूँ।
कुट सिर मोर का मेरी चित चोर का दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। ये देखा तो हमारी मीनू दीदी हमारे लिए ठंडी के मौसम में गरम गरम चाय बना रही है और दुर्भाग्यवश में चाय पी भी नहीं सकता। अच्छी बात दे रही है। तो मीनू दीदी मेरे को दे रही है बर्फी अपने हाथ से बनी हुई। इन्होंने अपने हाथ से बनाई है स्पेशल। मीनू दीदी कितने प्यार से चाय बना के लेकर आई हो पत्तियों वाली, है ना। मैं पत्तियों वाली पीता हूँ वैसे तो पूरी भर भर के। जो बुआ बनाती है ना चाय उसमें तो मतलब वाइट ही दिखती है। वो तो इतनी नहीं दिखती। आंटी जी कहाँ हैं दी पूछ रही है। रोटी खा रहे तुमने। अच्छा ढोल अगर आपको नारी तो दी क्या बजा रही है ढोल की। ऊपर आके डांस कर दप्पो। चलो सौभाग्य बजा रहे ढोल की और दप्पो नाच रही है। नाच मेरी बुलबुल तीन पैक वो पानी आ गई। देख के पीछे देख के बाल टूट रही थी। आज दिया तीन मिनट पहले आ गई ट्यूशन से। जो लड़की 5 मिनट बाद आती है सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। दिया ओ तेरी ग्लो पैक। तो हम सिरसा तक अपने पैक ले आए हैं। दिखा जल्दी। तो हम सिरसा तक अपने पैक ले आए हैं मीनाक्षी अरोड़ा होममेड फेस पैक। तो ये पैक हम लाए हैं मीनू दीदी के लिए। मीनू दीदी के चेहरे को हमने चमकाना है क्योंकि मीनू दीदी। तो मीनू दीदी ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाए हैं ये कड़ी चाय मेरे लिए और ये बहुत ही टेस्टी है। कड़ी बहुत स्वाद नहीं है क्योंकि मेरे को खट्टी पसंद है और पकौड़ों वाली कड़ी आलू प्याज वाली बना देते हैं आप तो हर बार। मेरे को पकौड़े वाली आलू प्याज की बनाया। तो अभी मैंने खाना खा लिया है। मुझे पता है मेरी शक्ल पे एक्टिंग अच्छी नहीं लगती। गाइस आज का हमारा व्लॉग खत्म हो चुका है और अब हम थक चुके हैं तो अब हम सो रहे हैं।